अपनी सैन्य ताकत दिखाने वाली चीन की हेकड़ी जो है सीधे सीधे कहें तो अब निकल गई है। भारत की कूटनीति और आक्रामक रणनीति के आगे चीन के लाल सेना ने हथियार डाल दिए। आखिरकार चीन को बातचीत से समझौते तक पहुंचना ही पड़ा और चीन की सेना अब विवादित इलाकों से वापस लौटने लगी है। एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। भारत की चेतावनी से बैकफुट पर चीन, पैंगोंग से पूरी तरह पीछे हटेगी चीन की लाल सेना। हवा हो गई शी जिनपिंग की हेकड़ी। डोकलाम में गलती की तो पछतावा हुआ, गलवान में जुर्रत की तो जवाब मिला, पैंगोंग में उकसाया तो मुंह की खानी पड़ी। बॉर्डर पर भारत से उलझने वाले चीन को हर मौके पर करारा जवाब मिला, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से फिर भी बाज नहीं आया। कभी चीन ने तिब्बत में युद्धाभ्यास कर युद्ध राग छेड़ा, कभी चीन ने LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर माइंड गेम खेलने की कोशिश की, तो कभी चीन ने बातचीत की आड़ में चोरी छिपे घुसपैठ की साजिश रची। विस्तारवाद वाली नीति को अमली जामा पहनाने के लिए शी जिनपिंग हर हथकंडा अपनाते रहे, लेकिन चीन की चालबाजियों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने सैन्य बातचीत जारी रखी और दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर दबाव भी बनाता रहा। एक तरफ चीन की सेना पैंगोंग झील से पीछे हटेगी तो दूसरी तरफ LAC के गतिरोध को कम करने में भी मदद करेगी। यानी साफ है कि चीन की लाल सेना की हेकड़ी निकल गई। हालांकि भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों पर सवाल भी उठे। विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश की, कभी चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो कभी सरकार पर रणनीतिक मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप भी लगाया। लेकिन गुरुवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के तमाम आरोपों का ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि भारत की एक इंच जमीन पर भी दुश्मन काबिज नहीं हो पाएगा। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूँ सरकार के लिए, आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू तू मैं करके परे कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। विपक्ष आरोप लगाता रहा, सरकार अपना काम करती रही, चीन के युद्धराग और विस्तारवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि लाल सेना को हथियार डालने पड़े। हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर शी जिनपिंग की साजिशों को नाकाम कर दिया। सैन्य स्तर पर 9 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पूर्वी लद्दाख से चीन के टैंक पीछे हटने लगे हैं, पैंगोंग इलाके से चीन के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। समझौते के तहत भारत भी अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। वैसे ये तो महज शुरुआत है। आपको बता दें कि चीन की सेना LAC के करीब से अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान हटाने में और तेजी लाएगी, क्योंकि भारत से हुए समझौते के तहत चीन की सेना पैंगोंग झील वाले इलाके से पूरी तरह पीछे हट जाएगी। चीन अपनी सेना को पैंगोंग झील के उत्तर में फिंगर 8 के पास रखेगा, जबकि भारत अपनी सेना को फिंगर 3 के पास अपनी पोस्ट धन सिंह थापा पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई पैंगोंग झील के दक्षिण में भी की जाएगी। पैंगोंग झील वाले इलाके के उत्तर और दक्षिण में चीन सेना अपने अस्थायी कैंप को भी हटाएगी। यही नहीं, LAC की अग्रिम चौकियों से भी चीन अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाएगा।
पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। एलएसी पर विवाद को हवा देते हुए चीन की सेना पेंगोंग इलाके में फिंगर 5 तक घुस आई थी। चीन की सेना इस इलाके में लगातार गश्त कर रही थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग झील में अपने बोट तक उतार दिए थे, जिसके जवाब में भारत ने भी इस पूरे इलाके में सैनिकों की संख्या कई गुना बढ़ा दी थी। भारत की सेना भी पेंगोंग झील में गश्त कर रही थी, लेकिन अब शायद एलएसी पर जारी गतिरोध कुछ कम हो जाए, क्योंकि संसद में राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आशंकाओं, आरोपों और भ्रमजाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत से लोहा लेना चीन के बस की बात नहीं। लंबे समय तक बर्फीली चोटियों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है सभापति महोदय। कोरोना काल में चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश करने वाली चीन की सेना अब उल्टे पांव लौट रही है। चीन की सेना चरणबद्ध तरीके से एलएसी से पीछे हट रही है। चीन की सेना धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने बैरक में वापस लौट रही है। हुआ ये कि तीन मोर्चों पर भारत की नीतियों ने चीन को बैकफुट पर लाने का काम किया, तो भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि एलएसी के विवादित इलाकों से सेनाओं के पीछे हटने के बाद चीन को तीन सिद्धांतों पर अमल करना होगा। पहला सिद्धांत है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को मानने का। दूसरा सिद्धांत है एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश ना करने का। और तीसरा सिद्धांत है एलएसी और उसकी यथास्थिति से जुड़ी चीजों को मानने और उस पर अमल करने का। तीन सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक कई इलाकों में पेट्रोलिंग अस्थायी रूप से स्थगित भी रखी जाएगी। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना और राजनयिक स्तर पर आगे की बातचीत करके कुछ समझौता हो जाएगा। इस समझौते पर कार्रवाई बुधवार से नॉर्थ और साउथ बैंक पर शुरू भी हो गई है। वहीं सीमा के दूसरे इलाकों को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी। भारत अब एक शक्तिशाली देश, अब पावर इन द वर्ल्ड हो गया है। इसकी जो मिलिट्री है बहुत पावरफुल है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स काफी तगड़ी हो गई है। तो अब चीन का सामना, हम पड़ोसी हैं, अमेरिका की राय है कि भारत के साथ मिलके ये सामना करे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले साल मार्च में विवाद शुरू हुआ था। तब पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि जून के महीने में दोनों ही सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। भारत के कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन चीन की सेना ने अपने सैनिकों की मौत की बात नहीं कबूली। चीन की सेना हर बार पीएलए को हुए नुकसान से पल्ला झाड़ती रही, जबकि अब रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया है कि हालांकि चीन ने 2020 में भारत के साथ हुई हिंसक झड़प में अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले साल एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में चीन के
45 सैनिक मारे गए थे, जबकि इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है। चीन द्वारा येलेशी के पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। पेंगोंग के उत्तरी छोर से चीन के टैंक वापस लौटने लगे हैं। चीनी सैनिकों की संख्या भी कम होने लगी है, मतलब ये कि चीन अब हथियार डाल चुका है। भारत की कूटनीति और आक्रामक रणनीति ने उसे बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया है और अब उम्मीद यही है कि चीन LAC पर साजिशों का मकरजाल बुनने की तैयारी दोबारा नहीं करेगा।